नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब से रिलेटेड। जो तो दोस्तों, इसमें क्या है कि सबसे पहले कि आपको मैंने बोला था कि naukri.com पे आप कैसे जो है कि लॉगिन करेंगे, कैसे साइन अप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्रॉपर जो है कि वीडियो को फॉलो करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पे भी बेल आइकन होता है, वो उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है लेटेस्ट वीडियो का, वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उसे देखें। तो दोस्तों, अब बात आती है कि naukri.com पे जो भी प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग साइन अप करेंगे और कैसे रिज्यूम वगैरह अपडेट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल के थ्रू जो है कि बताऊंगा। आप सेम चीज़ फॉलो कर लीजिएगा अपने लिए, और वो जो भी प्रोसेस होगा उसको उसके हिसाब से आप अपडेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपने कि आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। जब आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे तो वहां पे क्या करना है, आप टाइप करना है naukri.com। तो अगर आप naukri.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो दो इसका जो है कि माध्यम है, एक है गूगल, दूसरा है आपका ऐप। तो आप naukri.com के ऐप पे भी जो है कि जाकर के वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, या आप गूगल पर भी naukri.com लिख करके और वहां पे रजिस्टर फॉर फ्री आता है, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको प्ले स्टोर से जो है कि क्या करना होता है कि इसे जो है कि इंस्टॉल करना होता है, और naukri.com का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पे रजिस्टर फॉर फ्री लिखा होगा, तो आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये फ्री क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। फ्री है यानी आप अगर मेंबरशिप भी लेना चाहते हैं इसका, पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ही रजिस्टर करें तो आपके आप जो कि फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पेड मेंबर वालों के लिए लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका रिज्यूम होता है ना, ये लोग खुद से जो है कि फॉरवर्ड करते हैं कंपनीज के पास, हर कंपनीज के पास, यानी जो भी आपके रिलेवेंट जो भी आपने प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है उसके हिसाब से, तो ये लोग फॉरवर्ड कर देते हैं वहां पे, और फिर वो कंपनी जो है कि आपसे कॉन्टेक्ट करती है, या तो आपके पास मेल कर देती है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये जो काम होता है थोड़ा सा फास्ट होता है अगर आप पेड मेंबर हैं तो। फ्री वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके पास नहीं पहुंचती, कंपनी जो है कि सर्च करती है जो है कि naukri.com के वेबसाइट पे जाकर के, और वो उन जो है कि उन वो लोग पेड मेंबर होते हैं तो वो लोग सारी चीज़ें सर्च करने के बाद अपने लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो देखते हैं कि वो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इनके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो फिर वो कैंडिडेट्स के पास जो है कि मेल करते हैं या तो सीधा कॉल करते हैं। तो इस तरीके से जो है कि ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये naukri.com पे होता है, और जो कंपनी होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कैंडिडेट्स होता है, और जो naukri.com होता है। तो naukri.com जो है कि एक तरीके से देखा जाए तो मेडिएटर का काम करता है। तो यहां पे जो भी कंपनी है उसमें आप देखेंगे कि कंसल्टेंसी से भी आपके पास कॉल्स आती हैं, तो इसलिए कॉल्स आती है क्योंकि कंसल्टेंसी वाले भी यहां पे कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे, वो भी naukri.com के थ्रू ही करते हैं। यानी जो मेडिएटर है आपका, चाहे वो कंसल्टेंसी हो चाहे वो आपका कंपनी हो, वो सबके बीच में जो भी है आपका naukri.com है। तो naukri.com जो है कि आपको ये सारे जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमने इंस्टॉल कर लिया तो इसको हम लोग कैसे इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको करके बता देता हूं, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऐसे नए नए जो वीडियोज है आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं लेकर के आता हूँ। एक एजुकेशन पर्पस के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं बनाता हूँ, तो इसलिए जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप शेयर भी करें साथ साथ, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो लोग जिन लोगों को ये वीडियोस की ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। तो दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कैसे इसके ऊपर हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर के और वहां पे जो है कि आपने naukri.com लिखना है, या तो सीधा नौकरी लिखिए, अपने आप वहां पे जो है कि आपको ऐप दिख जाएगा। आप ऐप पे क्लिक करिएगा तो वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद जो है कि इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पे देखिए नीचे लिखा होगा रजिस्टर फॉर फ्री, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना फुल नेम जो है कि यहाँ पे मेंशन करिए। आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका जो होम पेज ओपन होगा वहां पे आप देखेंगे कि आपसे एक एक डिटेल्स वो खुद आपसे मांगने लगेगा, जिसमें आपका सबसे पहले तो आपसे प्रोफाइल पिक्चर आपसे पूछ रहा होगा कि आप प्रोफाइल पिक्चर अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई मैंडेट नहीं है, आप लगा सकते हैं, या नहीं लगाना चाहते हैं तो कुछ छोड़ दीजिएगा उसको। तो आप वहां पे प्रोफाइल पिक्चर के बाद जो है कि आपके पास जो है कि आता है कि आप अपना जो भी स्किल है वो आप वहां पे अपडेट करें। तो जो भी आपके पास स्किल है वो आप अपडेट करिएगा, साथ ही साथ आप किस फील्ड में जो है कि जॉब सर्च कर रहे हैं वो आपने बताना होता है। तो जब आप अपना जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी जॉब सर्च कर रहे हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा, मतलब कैटेगरी आपने मेंशन कर देना होता है। फिर कैटेगरी मेंशन करने के बाद जो है कि आपसे पूछता है कि आपका पर्सनल डिटेल्स क्या है, तो पर्सनल डिटेल्स में आप वहां पे अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसमें अपडेट कर दीजिएगा। मैट्रिक आपने कब किया, 12th आपने कब करी, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट करी है, ठीक है। साथ ही साथ और भी कुछ अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी वहां पे आपके मांगेगा, कोई सर्टिफिकेट डिग्री है वो भी आपसे मांगेगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपने वहां पे कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद आता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तो जो भी एक्सपीरियंस होगा और ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो आप उसके हिसाब से बता दीजिए, मैं जस्ट आपको मोटा मोटी जो भी पॉइंट्स उसमें मेंशन होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है कि आप अपने हिसाब से और जो आपका प्रॉपर डिटेल्स है उसके हिसाब से फिल करिएगा। दूसरी बात ये कि जो एक्सपीरियंस है आपका, जो भी कंपनी में आपने काम किया हुआ है तो वो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा। अगर नहीं किया हुआ है, फ्रेशर है, तो फ्रेशर वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों कि आपके पास आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो चीजें वहाँ पे पूछेगा, आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। क्या करना है कि आपसे पूछेगा कि आप अपना जो लेटेस्ट रिज्यूम है वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो अपना लेटेस्ट जो भी रिज्यूम आपने बनाया होगा ना वो रिज्यूम वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। आपका जो भी ये डिटेल्स है जब यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो सक्सेसफुल हो जाता है और वहाँ पे दिखाता है कि 100% जो है कि आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी 100% तब होगा जब आप सारे चीजें जो है कि अपडेट कर देंगे। अगर आपने देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो नहीं आपने अपडेट करी होगी तो वहां पे जो आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से दिखाएगा कि 90% आपने किया है, 80% किया है या 60% किया है। तो 100% अगर आपने कर दिया तो 100% दिखाएगा। तो वो कहां पे दिखाएगा, आपके प्रोफाइल पिक्चर जहां पे होता है ना उसके नीचे, उसके बगल में साइड में दिखेगा, वहां पे मेंशन होगा। तो ये सारी चीजें जो है कि आप कंप्लीट करके अपना जो भी है रिज्यूम है वो अपलोड करिए और जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको कॉल पे आ सकता है, कंपनी से आ सकती है, कंसल्टेंसी से आ सकती है, या आपको ईमेल भी कंपनी कर सकती है, ठीक है। कई बार होता है कि naukri.com भी जो है कि आपको सजेस्ट करता रहता है, तो जो भी आपका सजेशन आता है ना वो सजेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपके आपसे रिलेवेंट अगर है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे सीधा अप्लाई का ऑप्शन आता है, तो अप्लाई पे जब क्लिक कर देंगे ना तो अप्लाई हो जाएगा, सीधा कंपनी में चला जाएगा या वो naukri.com के पास चला जाएगा। तो naukri.com भी जो है कि सेम चीज जो है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी कंपनीज होती है उनको भेजना शुरू कर देता है, या जो कंसल्टेंसी जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, जो उनका मेंबर बने होते हैं, उनके पास ये चला जाता है। तो इस तरीके से जो है कि आपका कंप्लीट जो प्रोफाइल है आपका naukri.com पे आप अपना अपडेट कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको कॉल कर रही है तो आपसे अगर वो पैसे की डिमांड कर रही है तो ऐसी कंसल्टेंसी को आप इग्नोर करिएगा। कभी भी ऐसे कंसल्टेंसी के पास आप जॉब के लिए कभी भी मत जाइएगा। अगर वो पेड है तो वहीं पे बात खत्म कर दीजिए, बात करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो भी लोग
आप जैसे हैं जो चाहते हैं जॉब के लिए अप्लाई करना, जो चाहते हैं कि उनको माध्यम पता चले कि वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपने घर के लिए कैसे जो है कि मनी अर्न कर सकते हैं, वो तब होगा जब उनको सारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा। तो आप प्लीज ये ऐसे वीडियोस को जो है कि शेयर किया करें ताकि लोगों तक पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।